कैसे हो आप सभी लोग। होप करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से, 11:30 हो गए होंगे, मैंने टाइम देखा नहीं। बाकी कल रात का ब्लॉग तो आपने देख लिया होगा और आज अभी है देवता, फिर दिन में दिन मतलब हो ही गया है, शाम तक ही निपटेगा लग रहा मुझे। तो जो ये देवता है कोव वाला, ये तो अलग है। फिर अभी मैं जहाँ जा रही हूँ वो देवता दादी के मायके से आ रखा है, तो उसको भी पूज रहे हैं हम साथ साथ में। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं, उसके बाद हमारा जो मेन पूजा हो रही है वो होगी और उसके बाद मतलब पूजा कंप्लीट होगी, शाम तक ही होगी। तो घर में तो सब लोग चले गए हैं, मैं ही बची हूँ। तो चलो चलते हैं, बने रहो आप लोग भी लास्ट तक ब्लॉग में। तो अभी मेरे को बोला है कि चटाई लेके आ करके, बाकी आजकल मौसम ना ख़राब चल रहा था, मतलब शाम को बारिश आई जा रही थी। तो कल पूजा थी, कल भी बारिश नहीं आई और आज भी मौसम बड़ा मस्त हो रखा है। और हमारा जो ये छत का काम था ना, ये भी कंप्लीट हो गया है। एक दिन का बचा है, वो तो थोड़ी बहुत है, वो हो ही जाएगा। ये देखो उधर हमने सीढ़ी लगा रखी है छोटी सी, इधर ही कंप्लीट हो गया है। और बाद में जब दूसरी छुट्टी आएंगे अंकल पापा लोग, तब हम यहाँ कमरे वगैरह बनाएंगे। तो अभी चलते हैं। तो जो देवता दादी के मायके से लाए हैं वो यहाँ पे एक पेड़ के नीचे मतलब पत्थरों के बीच में रखा है, मतलब मंदिर वगैरह नहीं है, बस थोड़ा छोटा सा है, तो उसी को पूज रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सामने ये पत्थर है ना, इसके अंदर रखा है दादी के मायके के देवता को, तो इसी को पूज रहे हैं। अंजा माता महाकाल रूप धारण करो, काले का रूप अवतार करो, तुमने हिंद का परम में नमखन पृथ्वी सब दिव्य चौदाव हर में पापी धर्मों को प्रबल का बढ़ो, मेरो मंदिर गिरी कमलास को छीन करके उद माता दानवों ने मेरी ज्वाला नवखंडे भूमि मगे मेरी माया। जगबंदी योगासन योग माता मेरे जरी तेरी आराधना क्या पालना माया। जगबंदी योगासन योग माता तुम्हारा मेरी देवी महामाया जालबाग कंबा चला कबानी देवी तुम्हारो माता काली का ये बतारा माता काली का अवतार धरो माता एक हाथा धरो वो छिले तलवारे एक हाथा धरो रगते खपरे माया। योगा से योग माता देवे तुम होले देवे Thank you.
दोस्तों अभी हमने दादी के मायके का जो देवता था वो तो पूज दिया है और अभी हम जो कोव का देवता है वो पूजने जा रहे हैं ऊपर, मतलब वहाँ पे भी देवता वाला होगा सीन। और अभी थोड़ा ब्रेक लिया है और शाम तक ही होगा मतलब पूजा का समापन। और यहाँ पे देखो हमारी नानी, क्या सचित आ रहे हो आप? बहुत बड़े हैं, बहुत खुशी पूजा हुएगी, खुश हुए हो? जगदाल तक। अच्छा, तो दोस्तों अभी ऊपर जो हमारा मेन देवता पूज रहे थे कोब वाला, तो वो स्टार्ट हो गया है। अभी देवता वगैरह नाचेंगे, लास्ट है, अभी बहुवचन वगैरह भी हो जाएगा और शाम को होगी खवाई वगैरह और समापन वगैरह शाम को होगा शायद। भगवान में चलो स्वाहत को मन धर्मनाथ स्वामी तुम्हारा कनाद्र वारे मारे चला Hello.
वो मेरा हाथ ले हाथ मेरे पैरों का अन्य तो थोड़ा बंद कर दिया धरो धरो का पूजा के बाद लास्ट में यहाँ पे धुने की पूजा की जाती है, उसके बाद देवता अंदर जाता है लास्ट में। तो बोली वाली की हम करोड़ के सालों में जल्दी करो भाई वो ना ना खुशी पूजा हम तो करो करो अब करो छोड़ो पक्का रोल पूछा में भाई वो हो अरे तुम चुप रहने वे दा गरी मान नहीं जब टाइम रो ले रूम सबे ले जल्दी आ जाओ यो लोनी टाइम में चैट करो गुड। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और देवता वगैरह भी नाच गए हैं, बाकी
इधर रात के खाने की तैयारी चल रही है, बकरा वगैरह भी कट गया है और इधर सारे लोग अपनी थकान भी सारे हैं। कैसे चिता रहे हो? अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी पूजा हो रही है, बहुत अच्छे चिता रहे हैं। अच्छा लगा, सब सबके दिल को सुकून मिल गया, अब सब फ्रेंक बन गए। और आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। आज जंतर मिल रखा है दादी को, जंतर नाना आज जिनस मिल गया, जिनस हम दुनिया दिया, हम खुश, हमको आज जिनस मिल गए। और इधर आप कैसे हो? जाए इधर, ये जूस बांटने वाले हैं, ये रात को चाय बनाने वाले भी थे और अभी जूस बांटने वाले भी, ये नाचने वाले हैं, ये इधर नाचने वाले हैं सारे। ये सुबह से खा रहे हैं। ये हमारी छोटी चाची है, जूस पी रही है नाच के। हाय दोस्तों, हाय बोलन चले। हाय दोस्तों, मेरा ये नाक का हर्ज गया, छूट गया दोस्तों। दादी पे आया देवता और दादी के नाक का सोने का खो गया, बस ना खोवा नहीं, मिल गया। मिल गया? हाँ। अच्छा, मिल गया। क्या बोलूं, पूजा करके कैसा लग रहा है? क्या करूं, हमको पूजा करके अच्छा लगता है। और अब मीट, अब सारे गांव लोग रोटी पकाते हैं और मीट बनाते हैं, रोटी खाते हैं। और यहाँ हमारे घर गांव में योगियों की कटाई हो रहा है, आगे यहाँ सब कट गए हैं और दाई बनाने लिए दाई रे गए हैं। लोगों समझ नहीं होने वाली पुनी क्या। तो ये हमारी सबसे बड़ी वाली दादी है। हाँ, परे दे बुनी ना, क्या बोलूं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे है मेरी जितनी भी चाचियां और मम्मियां हैं, सॉरी मेरी मम्मी और सारी चाचियां हैं, मेरी सबसे बड़ी मम्मी है और पीछे से दादी भी है। दादी तो देखने जा लो। तो दोस्तों अभी पूजा संपन्न होने के बाद रात को यहाँ पे खा पी रहे हैं सब लोग। ये देखो, ये फोटोग्राफी भी चल रही उधर। ये दादी ना करना, अरे हाँ, या तो फोटोग्राफी चल रही है। दोस्तों पूजा भी अच्छी तरह से संपन्न हो गई है और अभी हमारा खाना वाना भी हो गया है मस्त से। और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।